2000 हज़ार uh, दो तक शायद मोदी अमित शाह फैक्टर को एक uh, कहा जाता था कि यू कैन नॉट बीट दिस कॉम्बिनेशन लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि uh, ये जो एक लीडरशिप है इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि इट्स दैट मैजिक इज़ नॉट यू आर लूजिंग इलेक्शन आर लूजिंग तो फिर अगर नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है मेरा बूथ सबसे मजबूत इसके लिए हमारा कार्यकर्ता तीन दिन लगा रहता है और इसलिए एक या दो लोग ही भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं ये उन लोगों की सोच है जो भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है ये एक लोकतांत्रिक संगठन है हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व है उस नेतृत्व के बलबूते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है उसी की क्यूमिटिव इफेक्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जन विश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने जिस गति से प्रगति की है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है और बार बार ये कहना है कि बीजेपी हारती चली जा हारती चली जा रही है इससे हार तय नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी मैंने अभी गिनाया आपको आसाम हो हरियाणा हो त्रिपुरा हो तो मोरल डाउन नहीं है पार्टी में मॉरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है एक आत्मविश्वास है पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग हैं जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग हैं और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं तो हम लोग हैं